सॉरी सॉरी बाइक नंबर खेलते हैं तीन नंबर में बेमित्र की तरफ से देखते हैं अपने कौन से फादर बोल पाते हैं या फिर एम टी रह पाते हैं। पकड़ पकड़ना।
खाली कुदर बेचारा लगातार चार में हो गया ना। यहाँ पर स्कोर जा पहुंचा पूरा चार और बेमे तरक्की बनाए हुए पूरा काफी रोमांचक में मस्तान पूरा 88 व्यक्ति हो गए हैं और यहाँ पर पूर्दा का टू और टाइड पूर्दा के 55 नंबर के जर्सी गए देखने टू और टाइड में लाना ही कर पाए और समय बचा है 10 सेकंड 9 8 7 और यहाँ पर कपल खा सकते चुपचाप ध्यान दे करो हले हलो के 22 नंबर के प्लेयर फर्स्ट अपाव सौरभ सितारा फिरोजा वर्सेस गोपी भिलाई फर्स्ट अपाव फोर्थ क्वार्टर फाइनल मैच सेवन सितारा क्लब फिरोजा वर्सेस गोपी भिलाई पांच पे पूजा और चार पे विमित्र एक पॉइंट की लीड है अभी पूजा के पास और शानदार डबल खाई विमित्र के प्लेयर द्वारा घेरा बना घेरा घेरा छोटे में छोड़े इसको तीन बार एक तीन बार करिए लगातार और निश्चित रूप से आप जो देख पा रहे हैं रात भर मुझे जब आए कबड्डी प्रेमियों ने थोड़ा सा नींद लग गया था दोस्तों हर मुझे आप मैं ठाकुर राम साहू तरह से आपके सबके समक्ष उपस्थित आप लीजिए बहुत बेहतरीन रेड यहाँ पर घुमर राम के खेमे से सॉरी पूर्णा बेटे तेरा पूर्णा जी हाँ मैं माफी चाहूंगा और नंबर तीन लगातार पहले राउंड के मुकाबले से ना आपने दम करके रखा है समझ लेना यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से रेस करते हुए यार इस इसको नंबर टू रेडर रेडा निकले गए और दर्शकों में काफी उत्साह और देख पा रहे उस खिलाड़ी का दबदबा शुरू से ही टूर्नामेंट की शुरुआत से ही अपना दबदबा काम करके रखे हैं एक तरफा और यहाँ पर
समाप्त होता हुआ कोर्ट चेंज हो रहा है और लीजिए आप पर नंबर 3 सर्जिकल फायर रडार इसको पकड़ डाला तो लाइफ जिंदा लाला समझ लेना भैया 100 रुपए भाई। बहुत प्लेयर है जो लगातार आर्मी स्पोर्ट क्लब दोनों तरफ लूट कर आता है और खतरे का सायरन बज चुका है, वापसी आना होगा। मात्र 30 सेकंड का समय दिया जाता है एक रेडर को और मुझे नंबर 22 पूर्वा के खेमे से गए, छोटा बम बड़ा धमाका बुलेट बम है समझ लेना और लगातार इनका परफॉर्मेंस काबिले तारीफ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर रेड कर रहे हैं। देरी से जल्दी थोड़ा सा रनिंग करते हुए लेकिन कोई फायदा नहीं पॉइंट टेबल में और लगातार आप देख पा रहे हैं नंबर 3 आज के नाम में ये मन नागे लगा था कृष्णा भैया खोज कर लावे वो जब का हरियर नोट वाले मन है रात भर पड़े हम अभी लाओ तो मैं मार सकता हूँ और लीजिए नंबर 3 और फिर रेडर के पास गजब का टीम वर्क कहा गया यहाँ पर और एक से काम नहीं बनता भाई संगठन में शक्ति है समझ लेना। नंबर 22 भले ही टूट जाए हड्डी पर नहीं छोड़ेंगे खेला कबड्डी ये इनका नारा है और लगातार परफॉर्मेंस जारी है दोनों टीमों के द्वारा नाले पे ताला साबित होता हुआ अगला रेडर नंबर 2 खेलबो खिलाबो और निश्चित रूप से जीत के दिखाबो ये नारा लेके गए भाई नंबर 2 खिलाड़ी और आप देख पा रहे हैं एक गुरु मंत्र लेके भेजे हैं भाई रेडर को और कोई मौका नहीं जैसे फुरफुटीला खरेरा में से झपट्टा मारता ना लिखा मना उसने टाइप की झपटी भाई मना भी थोड़ा से और नंबर 9 हट्टे कट्टे तंदुरुस्त खिलाड़ी डाबर के ओर पर खाते बड़े हुए भाई समझ लेना बहुत स्पोर्ट खिलाड़ी नंबर 9 दो चार को लाएंगे और निश्चित रूप से वही प्रयास बिल्कुल भीतर घुस गया था पूर्णा के खेमे में और रहा भीतर आते ऐसे क्रीज और निश्चित रूप से वापस आना हुई अब खाली जो नहीं अगला जो मुकाबला होगा वो बड़ौदा वर्सेस गोपी भिलाई के बीच होना है। दोनों ही टीम के कप्तान ध्यान में रखेंगे दल प्रमुख अपने सदस्यों को लेकर कमेंट्री ग्राउंड की इर्द गिर्द मंडराते रहे। थोड़ा सा खिलाड़ी चोटिल हुआ है लेकिन मेडिकल स्टाफ की निगरानी में उनको दुरुस्त किया जा रहा है और निश्चित रूप से रेडर पूर्गा का वापस आते हुए कांटे का टक्कर का मुकाबला जारी लगभग 6 मिनट 40 सेकंड का समय शेष और एक पॉइंट आगे चल रहा है मात्र दोनों तरह और दावा के अभियान इस बार और उमले उठा है और अंपायर के रेडर अंतिम वर्षा में मान है खेलने को से नंबर आगे से लेकिन कोई जरूरत नहीं कैमरामैन ठीक से फोकस करे भाई विवाद की स्थिति न आ रही लगातार निगरानी करके रखे और इस बार क्या हुआ झपट्टे मार के पकड़ लिया समझ लेना और अब अंतर बढ़ गया है 9 पॉइंट देने तरह और 6 पॉइंट हुआ है पूर्णा का मतलब 3 का अंतर और नंबर 3 पुनः रेड डालने के लिए गया है पिछले टाइम पकड़े गए थे लेकिन घायल से खतरनाक होता है भाई समझ लेना और वही वो इस बार जंगे पर ताप खो गया मतलब एक पॉइंट मिल चुका है और नंबर 22 इधर मन के कोड वाले भाई राहत में कहा था मतलब पकड़ना है कहा था लेकिन भीतर बुलावा था समझ लेना और निश्चित रूप से बढ़िया माइंड का दोनों टीमों द्वारा थोड़ा सा बैक फुट का पूरा लाइन फोटो देख लिया बतानी ना और नंबर 3 रेडर का रेड डालने के लिए
और सुपर टेकल ऑन है भी समझ लेना, एक को पकड़ने पर दो पॉइंट अर्जित कर सकते हैं और इस बात को सुनकर आपके मन में पहला लेग भी फूट सकता है और पकड़ने पर दूसरा लेग भी निश्चित रूप से फूटेगा। भाई मैंने पहले भी कहा था इसको पकड़ डाला तो लाइफ झुमका लाला, अगर इस मैच में आपसे करना है तो खास करना होगा पूर्णा के प्लेयरों को। और चार पॉइंट का जो अंतर दोनों ही टीमों के समक्ष हो चुका है, मात्र 4:40 का लगभग शेष समय और डेंजर जोन में घुसना होगा। और इस बार क्या हुआ, खरारा मार के एक पॉइंट लेके आया भाई साहब, है निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। अब वापसी की है थोड़ा सा पूर्णा, अभी भी 4 मिनट का समय शेष और कुछ सेकंड बाकी, जिसमें 3 पॉइंट का जो अंतर है वो खास नहीं होता कबड्डी की दुनिया में, क्योंकि कबड्डी अनिश्चितताओं को खेला है निश्चित रूप से। और चार खिलाड़ी पूर्णा के खेमे में अभी भी शेष ग्राउंड पर, और लीजिएगा नंबर 9 फेवरेट साबित होगा इनके लिए। और यहां पर क्या हो, कमर कस लिया सेवन लेना पूर्णा ने, रेडर को धार में बचे हैं, जिस तरह से बाद झपट्टा मारता पे शिकार पर वही हुआ है। नंबर 22 रेडर को रेड डालने के लिए पूर्णा के खेमे से, और निश्चित रूप से चाहेंगे अपने टीम के लिए कुछ खास करें क्योंकि बिल्कुल वापसी हो चुका है, मात्र 2 पॉइंट का अंतर, कोई खास नहीं होता। इसको पकड़ो फिर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपने देखा रेड क्या हुआ है। नंबर 3 और 4 खिलाड़ी शेष, और एक तरफ का कैच समझ लेना, नंबर 3 को पकड़ना होगा पूर्णा को, और बिल्कुल भीतर गए क्या हुआ, कुछ खास नहीं, कुछ भी हो सकेगा, 1.5 मिनट बचे मतलब। और तीसरा रेड साबित होगा, और यहाँ पर पीछे से हमला हुआ है, और समझ लेना भाई नजर हटा तो दुर्घटना घटा, रिलैक्स रिलैक्स रिलीज करे, सिटी बच चुका है समझ लेना। 30 सेकंड शेष है, मार क्या भाई, मार क्या भाई, मार क्या, मार क्या भले। और अब खास कर रहे हैं नंबर 88 को, क्योंकि यहाँ पर जो अंतर है 2 पॉइंट का, कुछ खास नहीं होता है, और सिटी बजे भाई रिलीज करे रेडर को। और थोड़ा सा हल्का सा मोच आया है डिफेंडिंग प्लेयर को, लेकिन कोई खास नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता ऐसा सुने हमने, और मेडिकल स्टाफ ध्यान दें के बीच होना है, दोनों टीम के सदस्य कृपया ध्यान में रखिएगा, अविलंब आए। और नंबर 3 प्लेयर गया है, 4 खिलाड़ी शेष, 3 पॉइंट का अंतर और मात्र 29 सेकंड के लगभग समय शेष, और
सफल होता हुआ माँ को सम्मान नहीं पा रहे उसे की बधाइया हम देखे हम, लेकिन कोई बात नहीं, दो अगले उद्देश्य आग लेना और दो कमर में दो पॉइंट और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर अंतिम क्षणों में बेमेतर के द्वारा और जो जीता वही सिकंदर और निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन और उसका फायदा भी हुआ बेमेतरा को और जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ हम आगे करेंगे क्योंकि निश्चित रूप से विजेता टीम बेमेतरा ही होगा भाई और यहाँ पर लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ का इस बात का हमें खेद है अगर एकांत रेडर रहता तो मुकाबला कुछ अलग होता और खूब कर रहा है बेहतर स्पोर्ट्स क्लब और एक आपका रक्षा हम लोग